सेक्शन तो नहीं है, एक ही सेक्शन। अच्छा आपका, अच्छा आपका नाम क्या है? आकृति। तो मैं बॉयज को भी पूछूं, आपका नाम क्या है बेटा? अच्छा आपका, आपका 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 नाम क्या है? मान्यता। आपका नाम क्या है? आशी। आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में? मैथ। मैथ, वाह वेरी गुड। सो मैथ से सब पीछे हटते हैं। और आपको क्या लगता है क्या सब्जेक्ट अच्छा पसंद है? साइंस। साइंस, ओ वेरी गुड। अच्छा क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। डॉक्टर। डॉक्टर, ओ वेरी गुड। वेरी, मैं आज ऐसे चीजें थोड़ा जानना चाहती हूँ आपसे कि अभी चारों तरफ पूरा वर्ल्ड के लोग, साइंटिस्ट, शासक, प्रशासक, बहुत परेशान है। बहुत ग्लोबल समिट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सेमिनार करते हैं, सिंपोजियम करते हैं। एक बहुत बड़ा समस्या है, उसके बारे में आपको पता है क्या? सबसे वर्ल्ड में तो थोड़ा बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा अभी के दौर में क्या हो सकता है बताइए, कौन हाथ उठाइए। क्या? क्लाइमेट चेंज। ओह वेरी गुड। और बताइए, और कौन हाथ उठाए थे? अब बैठिए। और वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब ने बहुत अच्छा दिए आंसर दिए कि ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण प्रदूषण, ये आपका मौसम कितना है, सीजन कितना सीजन है? हमको जो पढ़ाया गया था 6 सीजन, लेकिन हम कितने अनुभव करते हैं? जन 4 या जन ज्यादा से ज्यादा 3 को क्या क्या हो सकता है? रेनी, ये 3 को ज्यादा हम फील करते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा उनमें से, उन 3 में से भी ज्यादा क्यों, कौन सी सीजन को हम समर, इसका प्रभाव क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग का, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आज वो समर सीजन का हम ज्यादा फील करते हैं और ज्यादा दिन तक तो हम फील करते हैं। जनरली सीजन 6 होता है तो एक सीजन 2 मंथ होना चाहिए, नहीं ना, 2 मंथ होना चाहिए, लेकिन अभी समर सीजन को हम ज्यादा फील करते हैं बहुत लंबा तक, क्योंकि दिन ब दिन गर्मी ज्यादा हो रहा है। और ये प्रभाव केवल मनुष्यों को नहीं, पूरा जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, सभी को ये अनुभव होता है, फील होता है। और इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका प्रदूषण को, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। फिर व्हीकल्स का कम यूज करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। वेरी गुड, सब ने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं पर्यावरण का आज कितना प्रदूषित हुआ है, हो रहा है, और उसको रोकने के लिए तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो जंगल है ना, जंगल को भी संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, और जल संरक्षण भी करना चाहिए। जल संरक्षण, क्योंकि बारिश नहीं होने इसके वजह से, क्योंकि पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं कहीं पे ज़्यादा
रेन ज्यादा बारिश होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, सूखा होता है। इसीलिए हम लोगों को जल संरक्षण भी करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए 3 R क्या का पालन करना चाहिए? 3 R क्या क्या? वाह, वेरी गुड। ये करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हम जो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि जागरूकता नहीं होने के कारण टैप को भी खोल देते हैं, खोल के छोड़ देते हैं, तो पानी वेस्ट होता है। कभी कभी हम इतने जरूरत से ज़्यादा नहाने के टाइम शावर खोल दो, जरूरत से ज़्यादा नहा लो, जरूरत से ज़्यादा पानी को हम बर्बाद करते हैं। और कभी कभी हम पीने का पानी में भी हाथ धो लेते हैं, कभी कभी पीने के पानी में हम बर्तन साफ कर लेते हैं, तो फिर वो पीने का पानी पीने में ही यूज होना चाहिए, बाकी धोने के लिए या हाथ धोने के लिए या बर्तन साफ के लिए उसको। और बहुत से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट बनाना चाहिए। आप लोग बनाए हैं कहीं कहीं घर पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने राष्ट्रपति भवन में भी बहुत बहुत ज़्यादा रेन हार्वेस्टिंग पीट बनाया गया है, और कोई अपने घर पे बनाया गया है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसके घर पे नहीं है तो फिर वो बनाना चाहिए, क्योंकि हम उसको हम पेड़ पौधों पे लगा सकते हैं, और वार्मिंग को थोड़ा वो कम हो जाएगा पानी रहने से, है ना। और इस चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, है ना, बहुत सारे डे मनाते हैं। इसीलिए जल डे, वाटर डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पता है? 22 मार्च। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि जैसे कि मदर्स को मदर्स डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? मदर्स डे क्यों मनाते हैं? उन्होंने ही हमें बॉर्न किया है मैम, उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं। जी वेरी गुड, बॉर्न किया है हम लोगों को, छोटे से बड़ा करने में उसके बहुत प्यार लिए हैं। इसी के वजह से आज जो कपड़ा आप पहन के आते हैं, उन्होंने प्रेस करके दिए हैं, खाना बना के दिए हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो वहाँ रात रात भर वो जगते रहते हैं, है ना, बहुत सारे केयर लेते हैं। ऐसे ही और एक पर्यावरण से रिलेटेड और एक दिवस मनाया जाता है, वो एक पृथ्वी दिवस, पता है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बच्चे तो मैं पहले से मैंने सोचा कि ये बच्चे जानते नहीं होंगे, इसीलिए मुझे बहुत जानकारी है। मैं इसका एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से ये लोग बहुत बड़े हैं। वर्ल्ड के बारे में ये लोगों को, वर्ल्ड जो वार्मिंग जो हो रहा है उसके बारे में, आजकल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इन लोगों को बहुत ज़्यादा पता है। कोई तो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, अभी से वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान अपने अंदर भरे। तो कोई भी क्वेश्चन आए दुनिया के आए, हम उसको आजकल बच्चे कहते हैं कि उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेल कर लेंगे, या आजकल तो बच्चे का तो फाड़ लेंगे। और बच्चे ये और एक भी पर्यावरण के संबंधित हम दिवस मनाते हैं, वो क्या है? पर्यावरण दिवस। क्या है उसको? 5 जून। 5 जून, इसीलिए बच्चे मुझे लगता है, और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये कोई तो ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई मनुष्यकृत होता है, मनुष्यकृत होता है या मानव द्वारा, हम लोगों को द्वारा होता है। क्या होता है हम लोग क्या 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 क्या? इसीलिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, मानव समाज द्वारा भी होता है। क्या बता मैम? जैसे कि
की फैक्ट्रीज के अंदर से धुआं निकलता है, तो मैम उसकी वजह से जो मैम हमारा पर्यावरण है वो मैम उसका मैम टेम्परेचर बढ़ता है, इस वजह से मैम भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, आप? मैम जितने भी गैसेस आते हैं हार्मफुल, वो एक तरीके से हमारे एटमोसफेयर में ट्रैप हो जाते हैं और वो स्पेस में नहीं जा पाते, तो सारी हीट हमारे अर्थ में ही आ जाते हैं। और कौन हो बताइए। लगातार मनुष्य पेड़ काटते जा रहा है जिससे मैम पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, जो उससे वो अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से, और मैम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। और क्या है? ले लो माइक, ले लो। मैम आजकल एसी का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वेरी गुड। इसके बाद कौन, इसको दे दो माइक। मैम लोग व्हीकल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। सभी आंसर करेक्ट है, क्योंकि पेड़ हम जरूरत से ज्यादा काटते हैं पेड़ को, और उद्योग लगाते हैं। उद्योग तो लगाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पोल्यूशन ना हो इसके लिए भी प्रावधान करना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज़्यादा कम से कम हो या ना हो इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और हर चीज़ को कम से कम यूज करना चाहिए, और जंगल को संरक्षण करना चाहिए, जंगल सुरक्षित रखना चाहिए, फिर जल संरक्षण भी करना चाहिए, वायु भी प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं दिल्ली, तो मैं तो गाँव में थी, दिल्ली में जो मैं आई तो सब मास्क लगा के घूम रहे, क्योंकि इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, सभी मानव संपदा को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है तुम फ्यूचर के देश के भविष्य हो, तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए, और इन फ्यूचर मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम रोक पाएंगे, और उसके लिए तो मानव हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। इसीलिए इसको, इससे बचने के लिए हमको ये सब चीज़ें करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा मैसेज दिए है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुझे लगता है टाउनशिप में इतने स्पेसेस तुम नहीं है होगा, लेकिन जिनके घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर ऐसे कोई स्पेस है, तो वहाँ माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए, और उसको ग्रो करने में उसको केयर लेना चाहिए, और तो बड़ा करना चाहिए। और आप तो कहीं कहीं कभी कभी जाते हैं दोस्त के यहाँ, कहीं पे जाते हैं तो पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और कभी कभी अपने बर्थडे पे हम केक कटते हैं, एओ करते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं, बर्थडे भी हर साल एक एक पेड़ लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, मैं एसी के तहत में एक थोड़ा छोटी से मेरे जो बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने सीखा है, इस चीज़ को मैं बताऊंगी। मैं गांव में रहने वाली थी, जब छोटी थी क्लास सेवन तक मैं गांव में पढ़ती थी, तो उस टाइम अभी जैसे गैस से तुम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग सब गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों गैस नहीं था, उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे, या कोई भी ऐसे बनाने चाहे तो फिर उसी चीज़ से ही बना दे। और हम लोगों के गांव के नज़दीक में ही जंगल था, जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता चुन के लाते थे, लेकिन कभी कभी वो मोटा होता थे, बड़ा होता था, तो कभी कभी उसको काटना पड़ता था। तो मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे उसके पहले उसको नमन करते थे,
मैंने बोली हम लोगों के सोसाइटी में पेड़ को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम पेड़ को इसीलिए पूजा करते हैं, वहाँ सोसाइटी में मानना जाता मानते हैं कि ये पेड़ हम लोगों का पूर्वज है, हम लोगों को आशीर्वाद देता है। क्योंकि ये तो अभी साइंस के युग हो गए, ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत सी हम बहुत चीज़ें उन वहाँ से हम लोगों को कपड़ा भी मिलता है, हर चीज़ खाद्य वस्त्र वासगृह हर चीज़ हमको मिलता है। लेकिन उन दिनों उस चीज़ को नहीं था, इस चीज़ के ज्ञान नहीं था, तो कहते पूर्वज ये हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इनके कारण हम दुनिया में है, इसीलिए पूजा करते थे। मतलब जीवंत पेड़ को तो हम पूजा करते थे तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी सूखा पेड़ सूखा जो लकड़ी को क्यों नमन करते। मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी आप ये तो सूखा लकड़ी है, इसको आप नमन क्यों करते हैं? उन्होंने बोले मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लकड़ी के अलावा। और आप सूख गए हैं, आप जिंदगी भर हम लोगों का सेवा किए, लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए ही यूज करने के लिए आपको काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। ये तो पेड़ के बारे में, लेकिन धरती को भी हम चोट नहीं लगाते थे। जो मेरे पिताजी फावड़ा लेकर खेत में जाते थे, पहली चोट लगाने से पहले उसको धरती को नमन करते थे। मैंने बोले आप धरती को क्यों नमन करते हैं? उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, धरती है इसीलिए हम है, हम लोगों को हर चीज देते हैं। धरती है तो हम हवा है, पानी है, खाद्य है, वस्त्र है, हर चीज है, इसीलिए उसको हम धरती माता भी कहते हैं ना। लेकिन धरती के ऊपर कितने जीव जंतु पेड़ पौधा ये हो, लेकिन धरती के अंदर भी इतने बहुत सारे जीव जंतु कीटाणु जीवाणु होते हैं। हम जो चोट में लगाऊंगी ना, और चोट बजने लगने से बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसीलिए मैं धरती माता को मैं क्षमा मांगती हूँ। माँ ये जरूरत है मेरे लिए, इसीलिए मैं थोड़ा आवश्यकता अनुसार आपको मैं चोट पहुंचा रही हूँ, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पहले चोट मारने से लगाने से पहले उसको नमन करते थे, इसीलिए ये संवेदनशीलता, ये प्यार, ये चीज सबके अंदर रहना चाहिए। जिस चीज के को हम आघात पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे चीजें हो रहे हैं, अभी मैं डिस्क्राइब करना नहीं चाहती, आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत सारे चीजें धरती माता को हम चोट पहुंचा रहे हैं। वहाँ कहाँ कहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ बेवजह जितना पेड़ चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार, मुझे दो पेड़ चाहिए, एक पेड़ मैं 200 पेड़ काट लेना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। 200 पेड़ में काट रहे हो तो मुझे 500 या 5000 पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे, हम तो नहीं रहेंगे, जीव जगत नहीं रहेगा, प्राणी जगत, उद्भिद जगत कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है आप जो बड़े होंगे, और मुझे लगता है इसी चीज को खुद के अंदर केवल नहीं रह करके दूसरों के ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए। कभी किसी को टेप खोलते हुए देखे तो अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी किसी को पेड़ काटने के लिए देखे तो क्यों काट रहे हैं पूछना चाहिए, और नहीं काटने के लिए उसको एडवाइस देना चाहिए, है ना। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इतने सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिला, मुझे जानकारी मिला, और आज 9 क्लास के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, मुझे लगता है ये जब आगे बढ़ेंगे देश का जरूर परिवर्तन है होगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जरूर कम होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा।